हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और सिंपल सरल किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शाम के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा स्नैक, जो कि आप छोटी मोटी भूख के लिए बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही इजी सी रेसिपी है और इतनी टेस्टी है ना कि अगर आप इसको खाएंगे तो आपका पेट तो भरेगा पर मन नहीं भरेगा, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। झटपट से बन जाएगी, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक भगोना रख दिया है गैस पर और इसमें हम डालेंगे पानी। तो एक बड़े कप देखिए मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, तो लगभग डेढ़ कप के करीब होगा ये पानी, तो बड़ा सा कप था ये। तो गैस को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है और पानी को हम गर्म होने देते हैं। पानी थोड़ा गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये नूडल्स। कोई भी ब्रांड का नूडल्स आप ले सकते हैं, अलग अलग ब्रांड्स में आता है, आपको पता ही होगा, मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पर। तो नूडल्स को मैंने देखिए तोड़ करके डाल दिया है इसके अंदर, दो पैक मैंने लिया है, और साथ ही इसका टेस्ट मेकर भी हम डाल देते हैं। तो दोनों टेस्ट मेकर भी मैं इसे में डाल दे रही हूँ और अब इसको हमें मिक्स करना है। आपको यहाँ पर कोई भी वेजीज इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, तो फ़िलहाल इसके अंदर कोई वेजीज नहीं डालेंगे हम। पहले इसको मैं मिक्स कर ले रही हूँ और अभी इसको हमें अच्छे से पका लेना है, और ध्यान रखना है कि पकाने के बाद इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो बीच बीच में चलाते हुए मैंने इसे देखिए पका लिया है और इसका सारा पानी हमें सुखा देना है, बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, इसका सूप हमें नहीं चाहिए। तो देखिए ये मैगी भी हमारी तैयार है, मतलब नूडल्स हमारा तैयार है, नूडल्स के नाम पे मैगी निकलती है। गैस को मैंने बंद कर दिया है और अब इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है कुछ ब्रेड की स्लाइसेस, तो अपने हिसाब से आप ले लें, मैंने चार लिया है। और यहाँ पर कटे हुए टमाटर और प्याज है मेरे पास, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये देखिए चीज़ ले ली है, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है अच्छे से, आप चाहे तो स्लाइस वाला भी ले सकते हैं। और ये हमारी तैयार किया हुआ नूडल्स, तो अब इसको हम असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेड की हम एक स्लाइस लेंगे और उस पर मैं लगा रही हूँ ये मेयोनीज़। तो ये भी आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना उसी पर मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो यदि आपके पास मेयोनीज़ नहीं है तो आप थोड़ी सी मलाई को हल्का सा फेंट लें और वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। और मेयोनीज़ का टेस्ट तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा आता है टेस्ट इसमें। तो ये मैंने देखिए अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, और जो टॉप वाला पोर्शन रहेगा उसके ऊपर मैं ये टमाटो सॉस लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर पिज्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हर किसी के पास नहीं अवेलेबल होगा शायद, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये टमाटो सॉस लगा दिया है। बहुत ही अच्छा और टैंगी फ्लेवर आएगा इससे। तो अच्छे से मैंने देखिए ये स्प्रेड कर दिया है, टॉप वाले पोर्शन पर आपको इसे लगाना है। तो यहाँ पर दोनों ब्रेड की स्लाइसेस हमारी तैयार है। तो मेयोनीज़ वाली जो स्लाइस है इसके ऊपर हम रखते हैं ये तैयार की हुई मैगी, हल्की सी ठंडी कर ली है पहले मैंने मैगी को, तो ये इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देते हैं। थोड़ा सा डालेंगे, लगभग एक से दो चम्मच के करीब, और इसे हम हल्का सा स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये मैंने स्प्रेड कर लिया है, अब इसके ऊपर हम रखेंगे वेजीज। तो टमाटर, प्याज और खीरा मैंने रखा है, तो ये मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। और अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं ये ग्रेटेड चीज़, थोड़ी सी ज़्यादा ही लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने लगा दिया है, अगर आपके पास वो स्लाइस वाला है तो आप वो भी लगा सकते हैं, दोनों से ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। और अब ये देखिए इस तरीके से हम इसको बंद कर देते हैं। तो जो टमाटो सॉस वाला स्लाइस है वो हम ऊपर के साइड में ही रखेंगे। तो ये हमारा एक पीस तैयार हो गया है, मतलब एक सैंडविच हमारा तैयार हो गया है, और अब इसी तरीके से दूसरा वाला सैंडविच भी हम तैयार कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने ये देखिए मेयोनीज़ लगा दिया है, और इसके बाद मैंने ये देखिए ये मैगी भी रख दी है, मतलब नूडल्स रख दिया है, इसको भी मैंने स्प्रेड कर दिया है, और साथ ही साथ हम इसके वेजीज रख देते हैं। तो ये खीरा, टमाटर और प्याज तीनों हम रख देते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ रखेंगे। चीज़ रखने से पहले मैं इसके ऊपर ये टमाटो सॉस लगा देती हूँ। तो ये देखिए सॉस पे मैंने इस पर लगा दिया है ब्रेड पे, और यहाँ पर ये देखिए चीज़ रख दिया है मैंने, स्प्रेड कर दिया है, और अब ये स्लाइसेस के ऊपर हम रख देते हैं। तो ये दोनों सैंडविच हमारा देखिए फ़िलहाल के लिए असेंबल हो गया है, तो अब इसको हम पकाएंगे। आप चाहे तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं, बट थोड़ा सा इसे हम टॉस करेंगे। तो पैन को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है, हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है, आप चाहे तो यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं।
तो पैन हमारा यहाँ पर गरम हो गया है और अब सैंडविच की एक स्लाइस हम रख देते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर ये देखिए, ये दूसरी स्लाइस भी मैंने रख दी है। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे हल्का सा। आप चाहे तो उसको ऐसे भी खा सकते हैं, पर इस तरीके से तो अब और भी ज़्यादा ये टेस्टी बनने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चीज़। और जो चीज़ का इफ़ेक्ट आता है ना, मेल्टिंग चीज़ का, और ख़ास करके सैंडविच में, तो वो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये। तो चीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दी है, इसको हम थोड़ा कवर कर देते हैं और 2 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पर इसको हम चीज़ मेल्ट होने का वेट करेंगे। तो 2 मिनट हो गया है, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि चीज़ हमारी मेल्ट हुई है या नहीं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ मेल्ट हुई है और बहुत ही बढ़िया सैंडविच हमारा ये तैयार हो गया है, मैगी सैंडविच या नूडल सैंडविच। तो फटाफट से इसको अब हम निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो ये मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। देखिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अभी इसके ऊपर से थोड़ा सा हम स्प्रिंकलर भी डालेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये। तो ऊपर से थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ ये पिज़्ज़ा सीजनिंग, तो ऑरिगेनो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, और थोड़ा सा इसके ऊपर से डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। तो घर का बना हुआ ये चिली फ्लेक्स है। और ये देखिए, ये हमारा मैगी सैंडविच है, नूडल सैंडविच तैयार हो गया है। मस्त लग रहा है ये, मैं इसको आपको काट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, चाय के साथ आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर ऐसे ही सुबह के या शाम के नाश्ते में भी आप इनको दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये। और ये देखिए, है ना एकदम मस्त, एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। तो इस रेसिपी को घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये सैंडविच की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मैं मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।